और जहाँ आपको लगे रोक हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। विशाल जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे आप जिम कर स्टार्ट किया, आप अब यहाँ तक पहुँचे हो, तो किस तरह की कठिनाई आती हैं खिलाड़ी को? सर, परेशानियाँ तो देखो हर गेम में हर बच्चे को आती है जी। कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कोई दिक्कत आती है। फिर लेडीज़ हैं, अब उनको घर का काम भी देखना होता है, ठीक है, घर वालों को भी देखना होता है, फिर जिम भी आना, अपने आप को भी देखना, अपना प्रोफेशन भी देखना उनको, फिर उससे टाइम निकाल के वो पावर लिफ्टिंग करती हैं, तो काफ़ी एक खिलाड़ी को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। मोस्टली लेडीज़ों को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता उनको। आप अभी बता रहे हैं कि अब हम दिल्ली में कंपटीशन लड़ के आए हैं, आपने कंपटीशन लड़ाया तो आज आप इस शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूं अपनी टीम को लेकर। मेरी टीम जो है सबसे स्ट्रांग टीम है हमारी जी, खास करके हमारी लेडीज़ इतनी स्ट्रांग है, जहाँ भी जाती हैं स्ट्रांग वुमेन टाइटल जीत कर ही आती हैं। मतलब किस तरह के आपके जो हैं बच्चे हैं, किस तरह का, मतलब कहाँ पे लड़ चुके हैं और कौन कौन है आपके पास? मैं आपको बच्चों से मिलवा देता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, ये बॉडी बिल्डिंग करता है, साथ में पावर लिफ्टिंग भी कर रहा है, ये 3 बार स्टेट चैम्पियन बन चुका है, अभी नेशनल की तैयारी है। आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम विनय है जी, मैं स्टेट लेवल चैम्पियन 2 बार बन चुका हूँ, अभी मैं नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। आप, मैंने देखा था अभी मैं आया था, तो आप बच्चों को भी गाइड करते हैं, तो किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? मैं ट्रेनर भी हूँ जी और ऑनर भी हूँ, हम तीनों भाई हैं, ऑनर हैं जी विकेट फिटनेस के। बाकी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बॉडी बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं तीनों। बाकी हमारी दूसरी जिम भी है, वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं गोविंदपुर में। अभी वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों। आप मिलवाना चाहेंगे कौन कौन बच्चे हैं आपके, किस तरह से कॉम्पिटिशन लड़ते हैं? ये हमारे बच्चे, रोकना ही। वैसे तो संडे को जिम ऑफर है, और एक पावर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसी में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप पावर वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो महिला होने के बाद भी बावजूद भी क्या आप इतना टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है जी। महिलाओं के लिए खास तौर से मैं बोल सकती हूँ कि मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है जी। बच्चे हैं, परिवार है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और उन सबसे टाइम निकाल कर मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सब अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा घर स्वस्थ है जी। हम अगर अपना ध्यान रखेंगे तभी हम औरों का भी ध्यान रख पाएंगे। हम घर में क्या बनाते हैं वो सब हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, रसोई हम चलाते हैं, अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे घर वाले भी वही खाएंगे। बेटर यह है कि बच्चों को शुरू से वही चीज़ें दी जाएँ जो उनके लिए अच्छी हैं। अब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं घर का सारा काम ख़त्म करके यहाँ आऊँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ अपना 2 से 3 घंटा देती हूँ। और मैं अभी पिछले 1 साल से मैं मास्टर कैटेगरी में खेलती हूँ, मेरी एज 40+ है, मेरी जो एज है वो 40+ है। बट मैं यही चाहती हूँ सभी लेडीज़ को कि इस चीज़ में कोई एज नहीं होती, आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, आप शुरू कर सकते। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आजकल, आपने देखा होगा, युवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के बारे में तो ये है कि वो तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। पहले लड़कियां इन चीज़ों को करती नहीं थी, घबराती थी या घर वालों का सपोर्ट नहीं होता था। बट अभी युवाओं, हम मेरे जिम में जो हमारे जिम में वो मेन हैं, जैसे हमारे रिया हैं और ये टीनेजर में खेलती हैं, ठीक है ना, तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एज क्या है मैम? मेरी 14। आप कब से खेल रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से खेल रही हूँ। तो आप अभी 14 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र है और शौक बहुत अच्छा है, और बात करना चाहेंगे? हाँ, मेरे को बस ये मोटिव लेके आई थी मैं कि मेरे को फिट रहना है, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग की तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे भी गया, तो जैसे जैसे मेरे कोचेस ने मेरे को सपोर्ट किया तो मैं और करती गई और फिर कॉम्पिटिशन्स में भी गई। तो अभी बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो ये गाज़ियाबाद में जो जिम है ऑल ऑफ इंडिया में, मतलब गाज़ियाबाद से जो खिलाड़ियों को लड़ाया जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, गाज़ियाबाद से भी सारी, उससे आपको करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलो ठीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना पहले तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम विशाल माहौर है, गाज़ियाबाद से। मैं जिम चलाता हूँ, वी कट फिटनेस जिम जी, लोहिया नगर में। ये कब से चल रही है आपकी जिम? सर, ये मेरी जिम 3 साल से चल रही है।
आपके पास कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ कंपटीशन लड़ चुके हैं? मेरे पास कंपटीशन में खेलने वाले बच्चे 15 से 20 बच्चे हैं, जो दिल्ली, हरियाणा और अभी गोवा भी खेल गए हैं। जी, गोवा में एक चैंपियनशिप हुई थी रॉ पावर लिफ्टिंग से, तो वो खेल के आए हैं और वहाँ से गोल्ड मेडल और स्ट्रॉन्ग वुमन का टाइटल लेकर आए हैं। कौन कौन बच्चे हैं, क्या नाम है? मैडम हमारी स्ट्रॉन्ग वुमन का टाइटल लेकर आई है। हेलो, मेरा नाम कृष्णा सैनी है जी। और मैं पिछले 1.5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे ही बढ़ा। मेरे गुरुजी हैं ये विशाल माहौर, जो मैं पिछले 3 साल से इनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ, पर्सनल ट्रेनर ये हैं मेरे, और इन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो भी ये बोलते हैं वो हम करते हैं और ये यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और इस गेम को अच्छे से इम्प्रूव करें और धीरे धीरे हम सभी, हमारी जो जितने भी ग्रुप है बढ़ता जा रहा है। हम 4 लोगों ने स्टार्ट किया। अभी तक आपने कोई कंपटीशन लड़ा है मैडम? हाँ जी, मैं कम से कम 15 कंपटीशन खेल चुकी हूँ, जिसमें मैंने 12 गोल्ड लिए हैं और 7 कंपटीशन में मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी हूँ। और अभी मैं दिसंबर में एशिया पावर लिफ्टिंग करके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और हाईएस्ट स्कोर बनाकर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेडी का भी मैंने टाइटल लिया था, वहाँ मुझे ट्रॉफी मिली थी। और अभी भी चल ही रहा है, बस अब नेशनल की तैयारी है। एक आप महिला भी हैं और एक खिलाड़ी भी हैं, तो खिलाड़ी को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो देखिए हर फील्ड में है, आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, बट महिलाओं के लिए ज़्यादा होती है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकती हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। आजकल लेडीज़ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यही रहता है कि हम अपने जिम का नाम रोशन करें और अच्छे से अच्छा लेके आए। अभी हमने गोल्ड मेडल जीता है, अभी अपने जिम के लिए मैंने फिर से टाइटल लिया था स्ट्रॉन्ग वुमेन का मास्टर में। और मेरी ये है साथ में जूनियर है रिया गुप्ता, अब आप इनसे बात करिए, ये बहुत अच्छे से खेलती हैं और इस टाइम हमारे जिम में सबसे हैवी लिफ्ट यही कर रही है। रिया जी बताइए आपने बारे में कुछ। मैं भी 1.5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ और मैं भी एक बहुत सिंपल मोटिव से आई थी फिटनेस के लिए, लेकिन यहाँ आके मेरे कोच की हेल्प से और मेरे कोच के मोटिवेशन से मैं आज पावर लिफ्टिंग में आ चुकी हूँ और स्ट्रॉन्ग वुमेन का टाइटल भी ले चुकी हूँ। एक ड्रीम पूरा हो गया है स्ट्रॉन्ग वुमेन के टाइटल का, अभी आगे बहुत सारे ड्रीम्स बाकी हैं जो शायद कोच की मदद से बहुत आगे तक सारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। अभी नेशनल की तैयारी चल रही है, उसके बाद ड्रीम तो आगे बहुत बड़े बड़े हैं, ओलंपिक्स तक भी जाना है। और बस मोटिव यही है कि पावर लिफ्टिंग को उतनी फेम मिले, उतना फेमस हो जाए, शायद हम लोग भी उतना आगे तक जा पाएं और हर फील्ड में नाम रोशन करें। मैडम मेरा एक सवाल है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे कोच का मोटिवेशन, मेरे कोच का भरोसा और मेरे मतलब हमेशा ये कि तुम कर सकती हो और एक लड़की हो लेकिन फिर भी कर सकती हो, तो बस यही सपोर्ट है, ये गाइडेंस है, ये मोटिवेशन है जो यहाँ तक लेके आया है हमें। घर वाले कई बार बोलते हैं कि एक लड़की हो इतना इसमें नहीं जाना है, बहुत देर रात तक कॉम्पिटिशन से आती हो, लेकिन फिर भी एक अपनी विल पावर होती है, अपना डेडिकेशन होता है जो हमें हर फील्ड में आगे लेके जाता है। जी, एक खिलाड़ी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अपना नाम बताइए, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम मेघा गुप्ता है जी। मैं यही कहना चाहूंगी, बीइंग अ होममेकर, आई हैव नेवर थॉट कि मतलब यहाँ पे स्कोप इस फील्ड में आके भी कुछ होता है। मैं भी यहाँ पे एक सिंपल पर्पज से आई थी, सिर्फ अपनी बॉडी टोनिंग के लिए, अपने फिटनेस के लिए, बट यहाँ के जो कोचेस थे इन्होंने हमारे अंदर वो पैशन जगाया कि यू कैन डू समथिंग और तुम्हें बढ़ना है आगे, इस फील्ड में आगे जाना है और तुम इसमें बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो तो करो। और ये मेरी बेटी है मतलब तो ये आप इससे बात कीजिए, अभी ये भी बताइए, ये भी यहाँ पर ही जिम करती है। आपने अभी मैडम कोई कंपटीशन लड़ा है? हाँ मैंने लड़ा है, मैंने बहुत सारे लड़े हैं, मैंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं, तो होपफुली आगे और जीतेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वासवी गुप्ता है और मैं 14 ईयर्स की हूँ। तो अभी तक आपने भी कोई कंपटीशन लड़ा है? हाँ मैंने भी लड़े हैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल का टैग भी लिया है और आगे भी लेना है, अपना टारगेट तक पहुँचना है और रिकॉर्ड भी ब्रेक करने हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी हैं सबसे कम उम्र है आपकी जी, तो युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और महिला हैं, एक लड़की हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? मैं यही देना चाहूंगी कि इस फील्ड में भी स्कोप्स होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, सबको जाना चाहिए, इस फील्ड में भी जाना चाहिए क्योंकि इसमें भी स्कोप्स हैं और आप कर भी सकते हैं इफ यू हैव दैट विल।
नहीं, महिलाओं खिलाड़ी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम नाम जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम चिराग वत्स है और मेरी एज अभी 20 इयर्स है। जी, आप कब से कर रहे हैं जिम? जी, मेरे को 1 साल हो चुका है अभी जनवरी में जिम करते हुए। क्या नाम है जहाँ पे आप? यहीं पे कर रहा हूँ, वीकट फिटनेस में। कितने दिन हो गए आपको? 1 साल हो चुका है। आपने अभी तक कोई कंपटीशन लड़ा है? जी, मैंने कम से कम 7-8 कंपटीशन अब तक लड़ चुका हूँ मैं, और 2 कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल भी लगा, फर्स्ट प्लेस आई है मेरी। आगे की क्या तैयारी है आपकी? जी, आगे की जो तैयारी है ये है कि जैसे मतलब इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग मैन वगैरह का भी जो निकलता है उसके लिए भी मैं अपना 100% कहना चाहता हूँ। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे कोच ने हमेशा मेरे को अच्छे सपोर्ट किया है और अपना 100% इन्होंने दिया, इसलिए मैंने अपना 100% इनको दिया है। और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इनकी सारी उम्मीदों पर हमेशा से खड़ा उतरूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और हम आज जुड़ चुके हैं खिलाड़ी के साथ। पहले तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप कब से लिफ्टिंग करें? सर, मैं पिछले 1.5 साल से वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, अभी और आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप जैसे बता रहे हैं पावरलिफ्टिंग, मैडम आपको सेहत के लगता तो नहीं है कि नहीं होने के बाद सर? देखो एक्चुअली मैं जिम में जो आई थी तो मैं बस ऐसे स्लिम होने नहीं आई, मेरा टारगेट था कि मैं अपने आप को फिट कर सकूँ, स्लिम हो सकूँ। बट धीरे धीरे मेरे जो ये है कोच है मिस्टर मिशान मोहन, उन्होंने देखा कि मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ, अपना अच्छे से वेट कैरी कर सकती हूँ, तब उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आप इस चीज़ में आगे बढ़िए। तो ये इन्हीं की प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ, इन्हीं यही चाहते थे कि मैं कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ पाई। मैडम आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको पावर लिफ्टिंग करनी है? देखिए प्रेरणा तो मुझे अपने जिम से ही मिली है, अपने कोच से ही मिली है, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँगी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एक मेरा पार्लर है, आई एम मेकअप आर्टिस्ट, बट मुझे अब इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मैं अपना पूरा टाइम इसमें देती हूँ और अच्छे से इस चीज़ चाहती हूँ कि इसको अच्छे से आगे तक कर सकूँ। आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर अभी तो मेरा नेशनल का टारगेट है और मैं अभी दिसंबर में एशिया तक जीत के आई हूँ, जिसमें मैं गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ और विद स्ट्रॉन्ग वुमेन ट्रॉफी के साथ।